कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आऊँ आप सभी के लिए MZ की तरफ से आने वाली पोर्टेबल मिनी साउंड बॉक्स। जैसा कि देख सकते हैं, आज मैं करने वाला हूँ इसका अनबॉक्सिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर लें, ताकि और भी इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, MZ की ब्रांडिंग है, मॉडल है इसका M3014 मॉडल है इसका पोर्टेबल मिनी साउंड बॉक्स। दोस्तों यहाँ पे देखिए, बॉक्स के ऊपर जो लुक मिलता है काफ़ी शानदार मिलता है देखने के लिए। इसमें RGB लाइट के साथ आता है ये वायरलेस स्पीकर। यहाँ पे इसमें आप TWS माइक, वायरलेस माइक्रो TF कार्ड भी लगा के यूज कर सकते हो, USB फ्लैश ड्राइव भी लगा के यूज कर सकते हो इसको। यहाँ पे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो यहाँ से आप इसे चाहो तो पढ़ सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो चलिए पहले फटाफट इसे ओपन करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे इसी ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप ओपन करने के टाइम पे देखोगे तो यहाँ पे आपको म्यूजिक बॉक्स मिल जाता है देखने के लिए। सो इसे ओपन करते हैं पहले, और यहाँ पे मिलता है एक माइक का वायर, यहाँ पे निकला ब्लूटूथ, और इसके साथ में क्या आता है, और यहाँ पे मिलता है एक माइक्रो चार्जिंग केबल जैसा कि देख सकते हैं आप। सो चलिए इसे साइड में रखते हैं पहले। दोस्तों पीछे भी कुछ ऐसे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पीछे एक माइक मिल जाता है इसमें, तो यहाँ पे माइक मिल जाता है इसके साथ में, काफ़ी बेस्ट भी लग रहा है ये। दोस्तों यहाँ पे अगर बात कर ले स्पीकर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्पीकर का लुक है काफ़ी शानदार है, और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसका। यहाँ पे आप पीछे के साइड में देखोगे तो यहाँ पे एक USB पोर्ट दिया हुआ है, ऑन ऑफ के लिए बटन यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे एक DC 5 वोल्टेज का माइक्रो पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ से आपको मेमोरी कार्ड भी लगा के इसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे ऑक्स वायर भी लगा के यूज कर सकते हो, और ये वाला जो पॉइंट है इसमें ये माइक का है, तो यहाँ पे आपको माइक लगाना है, अभी मैं लगा के दिखाऊंगा आपको। दोस्तों यहाँ पे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल मिल जाता है, यहाँ पे 4 बटन मिल जाता है। सो यहाँ से आप FM रेडियो वगैरह भी यूज कर सकते हो, बीच में एक माइनस बटन और साइड में एक प्लस मिल जाता है, तो ये दोनों बटन से आपको साउंड क्वालिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, सॉन्ग चेंज भी कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो इसका, जैसे FM यूज करना है तो FM पे कर सकते हो, और ब्लूटूथ पे यूज करना है तो ब्लूटूथ पे कर सकते हो, तो यहाँ से आप इसका मोड चेंज कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो एक हैंडल भी मिल जाता है आपको, तो काफ़ी इजीली आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हो काफ़ी आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो काफ़ी अच्छे से इसे आप ऐसा पकड़ के लेके जा सकते हो। दोस्तों अगर फ्रंट साइड में इसके देखे तो यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी शानदार डिज़ाइन मिल जाता है, और यहाँ पे भी काफ़ी बेस्ट डिज़ाइन मिल जाता है देखने के लिए। दोस्तों मैं बता दूं आपको, सिंगल स्पीकर है इसमें, और यहाँ पे आप देखोगे तो MZ की ब्रांडिंग मिल जाती है, और यहाँ पे भी लुक काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाते हैं देखने के लिए, और यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे काफ़ी शानदार लुक मिल जाता है, तो आप इसे आसानी से इस तरह से कहीं भी बैठा के सॉन्ग वगैरह प्ले करके सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छे से बैठ जाता है ये, और बिल्ड क्वालिटी वाकई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसका। दोस्तों मैं इसको ऑन करता हूँ पहले। दोस्तों जैसे कि आपको मैं पहले ही बताया, यहाँ से ऑन ऑफ होता है, तो ये वाले बटन से ऑन करना है इसको, जैसे आप देख सकते हो ऑन हो गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे RGB लाइट मिल जाता है, तो काफ़ी शानदार लुक देता है इस ब्लूटूथ स्पीकर को, और ये काफ़ी बेस्ट लग रहा है लाइट यहाँ पे। सो अगर आप अंधेरे में इसे यूज कर रहे हो तो काफ़ी शानदार लुक देता है। तो जैसे कि आपको मैं पहले ही बताया, अगर आपको FM यूज करना है तो यहाँ से FM यूज कर सकते हो। ब्लूटूथ मोड पे लेना है, इसी बटन को प्रेस करेंगे तो ब्लूटूथ मोड पे आ जाएगा ये। दोस्तों जैसे कि आपको मैं बताया, यहाँ पे एक माइक मिलता है इसके साथ में, तो मैं माइक को भी चेक कर लेता हूँ पहले। सो माइक लगाता हूँ पहले इसके अंदर, और यहाँ पे इसको इस तरह से लगाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं बैठ गया इसके अंदर जाके, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ इसको। दोस्तों माइक कनेक्ट हो गया है, और मैं इसका आवाज़ सुनाता हूँ आपको। दोस्तों माइक का जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी तगड़ा है, यहाँ पे जैसे कि आपने देखा मैंने इसे लगाया और काफ़ी शानदार आवाज़ आ रहा है इसका, इसको निकाल दिया हूँ। दोस्तों इस ब्लूटूथ स्पीकर में जो ब्लूटूथ वर्जन मिलता है 5.0 का मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। वर्किंग डिस्टेंस की यहाँ पे मैं बात कर लूँ अगर, तो ये बता दूँ आपको कुछ
10 मीटर का ट्रांसमीटर डिस्टेंस मिल जाता है इसमें, तो 10 मीटर तक का दूरी तय कर सकते हो अपने फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद। यूएसबी चार्जिंग इसमें 5 वोल्टेज का मिल जाता है, और सबसे जो अच्छी चीज़ है इसमें 1200 एमएच की बैटरी आती है, तो एक बार इसे आप चार्ज कर लेते हो तो 2 से 3 घंटा कंटिन्यू यूज कर सकते हो इस ब्लूटूथ स्पीकर को। दोस्तों अगर इस ब्लूटूथ स्पीकर को आपको 2 से 3 घंटा घर में यूज करना है, अगर घर में 2-3 घंटा आपको इंजॉय करना है, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है। और 2 से 3 घंटा इसे कंटिन्यू यूज कर सकते हो आप एक बार चार्ज करने के बाद। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ इसके प्राइस की, तो मैं बता दूँ आपको 600 से 700 रुपये के अंदर आपको मिल जाता है ये ऑफलाइन मार्केट में। दोस्तों बहुत सारा कमेंट आता है कि आप प्राइस नहीं बताते हो, इसके लिए मैंने इसका आपको प्राइस भी बताया है, क्योंकि ये 600 से 700 रुपये के अंदर आपको मिल जाता है, किसी भी शॉप से आप जाके ले सकते हो इसको। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ इसके साउंड क्वालिटी की, तो काफ़ी तगड़ा साउंड क्वालिटी है, जितना छोटा दिख रहा है उससे ज़्यादा पावरफुल बेस वगैरह मिल जाते हैं इसमें, तो साउंड क्वालिटी काफ़ी तगड़ा है इसका, बेस वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाते हैं। माइक लगाने के बाद तो काफ़ी अलग आवाज़ आता है इसका, काफ़ी मतलब माइक लगाने के बाद काफ़ी तगड़ा साउंड क्वालिटी आता है, तो आपको अगर घर में रिहर्सल वगैरह करना है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो एक दो घंटे के लिए। सो फाइनल गाइस काफ़ी बेस्ट है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।